जो मैंने नकुल शर्मा के खिलाफ बयान दिया था उस टाइम देश में नकुल शर्मा ने जो बयान दिया था वो गलत था, उसके खिलाफ मैंने जो सूख दे दिया था और मेरी कोई नकुल शर्मा से पर्सनली जाती कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालने वाले आरोपी इरशाद प्रधान सालाहेड़ी ने मीडिया को बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान का खंडन करते हुए कहा है कि जो मैंने नुपुर शर्मा के खिलाफ बयान दिया था उस टाइम देश में नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था वह गलत था, उसके खिलाफ मैंने जोश में बयान दिया था। मेरी कोई नुपुर शर्मा से कोई लड़ाई नहीं है, मैं अपने बयान को वापिस लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे मेवात में 36 बिरादरी अमन चैन से रहती है, पूरे हिंदुस्तान में हम गंगा तहजीब से रहते हैं। बता दें कि फेसबुक पर विवादित पोस्ट डालने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को प्रभारी अपराध जांच शाखा नुह निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गांव हतीन के वार्ड नंबर 7 निवासी अनिल कौशिक पुत्र सरदार शर्मा ने थाना शहर नुह को शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें गत 12 जून को अनाज मंडी नुह में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया था। रोष प्रदर्शन के दौरान आरोपी इरशाद पुत्र समसू गांव सालाहेड़ी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति नुपुर शर्मा की जीप काट कर लाएगा उसको मेरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये शब्द कहे थे। जिस संबंध में पुलिस ने शिकायतकर्ता की सूचना पर तत्पर संबंधित धाराओं के तहत थाना नुह शहर में मामला दर्ज कर लिया था। बता दें कि अपराध जांच शाखा नुह प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी इरशाद उपरोक्त को लघु सचिवालय नुह से धर दबोचा, विशेष सफलता प्राप्त की। मामले में किसी अन्य की संलिप्तता होने का खुलासा हेतु आरोपी को अदालत पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि नुह पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला IPS ने कहा है कि फेसबुक सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक एवं विवादित पोस्ट डालने वालों तथा अफवाहों को फैलाने वालों के विरुद्ध नुह पुलिस सख्त कड़ा रुख अपनाएगी, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो मैंने नकुल शर्मा के खिलाफ बयान दिया था उस टाइम देश में नकुल शर्मा ने जो बयान दिया था वो गलत था, उसके खिलाफ मैंने जो सूख दे दिया था और मेरी कोई नकुल शर्मा से पर्सनली जाती कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ना मेरा उससे इतना बड़ा मामला है। मैंने जो इसमें बयान दे दिया था उसको मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ कि हमारे यहाँ 36 बिरादरी अमन चैन से रहती है और हम पूरे हिंदुस्तान में एक गंगा जमुनी तहजीब से रहते हैं। हमारा उससे कोई ऐसा पर्सनल मामला नहीं था, ये लोगों ने मुद्दा उठाया तो उसके लिए मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। नकुल शर्मा से ऐसा मेरा कोई मामला, कोई मेरा उससे जाति पर्सनल झगड़ा नहीं है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताज़ा खबर रोजाना ना देखना भूलें मेवात सिटी न्यूज पर। बता दें कि लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।